हेलो रिवान, हाल ही में एक हॉन्टेड गुड़िया जो कि तालाब के किनारे बैठी हुई है, उसकी न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी। तो तैयार हो जाओ, ये है कंट्रोलिंग द फैक्ट्स, जहां आपको मिलेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगातार। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड के लोग इन दिनों एक गुड़िया से डरे हुए हैं, या नदी के किनारे पेड़ पर एक झूले पर बैठी है। वेबसाइट डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी इसके पास से गुजरता है, यह गुड़िया उसके लिए बदकिस्मती लेकर आती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब तक इस गुड़िया को देखने के बाद कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। हिंजुंग ब्रुक के सांसद निक डैमेटो का कहना है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहने वाला हर कोई गुड़िया के बारे में जानता है, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। यह गुड़िया कहाँ से आई, कैसे और कब एक पेड़ के नीचे झूले पर बैठ गई, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। निक डैमेटो ने बताया कि उन्होंने ऐसे लोगों की कहानियां सुनी है जो मछली पकड़ने के दौरान गुड़िया के बहुत करीब आ गए थे, जिसके बाद उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। निक डैमेटो को लगता है कि या लोगों के मन का वहम या फिर परिस्थिति के कारण भी हो सकता है। हालांकि शहर में रह रहे एक व्यापारी ने बताया कि इस गुड़िया को एक प्रेमी जोड़े ने बनाया था, जो शहर में कुछ रंग फैलाना चाहते थे, लेकिन उस जोड़े के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। कहा जाता है कि वो प्रेमी जोड़ा अब गायब हो चुका है और ये गुड़िया उसी से जुड़ी हो सकती है। कुल मिलाकर इस गुड़िया ने एनाबेले गुड़िया की यादें ताज़ा कर दी हैं, जिसे लेकर माना जाता है कि इस गुड़िया के भीतर आत्माओं का वास है। एनाबेले को लेकर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन इसकी सच्चाई पता करने में जुटी है, लेकिन प्रशासन के सामने ये दिक्कत आ रही है कि कोई भी अधिकारी उसके पास जाना नहीं चाहता। ऐसे में उस गुड़िया की जाँच कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गिव अ बिग थम्स अप,